अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, पेज नंबर 32 and 33। सो दिस इज पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक। वी हैव टू सॉल्व इन कॉपी। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को कहते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखेंगे, 10 का टेबल लिखेंगे। इसी तरह से हम मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे, 8 10 80 तक। अब हम कॉमन को सर्कल करेंगे। यहाँ पे 40 कॉमन है एंड 80 कॉमन है। एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है? 40। सो एलसीएम 8 और 10 का 40 है। इसी तरह से हम एक और पार्ट देख लेते हैं, 9 and 8। हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखेंगे, मीन्स 9 का टेबल लिखेंगे, एंड मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखेंगे, 8 का टेबल। इसी तरह से इनमें से जो कॉमन होगा उसको अंडरलाइन कर देंगे। इनमें कॉमन 72 है, इसके पास भी 72 है एंड इसके पास भी 72 है। सो एक ही कॉमन है, सो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 72 ही होगा। नाउ कम टू पेज नंबर 33। वी हैव टू सॉल्व दिस इन बुक। सो वी हैव अ क्वेश्चन, राइट द नंबर्स 1 to 12 इन द करेक्ट प्लेस। हमें 1 to 12 नंबर लिखने हैं। पहले मैंने 1 से लेके 12 तक यहाँ पे नंबर्स उतार लिए हैं। अब पहले में बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 4। इट मींस के ऐसा नंबर हो जो 4 के टेबल में आता हो, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में नहीं आता हो। फैक्टर्स ऑफ 12, ऐसा नंबर हो या ऐसा टेबल हो जिस टेबल में 12 आता हो, नॉट अ फैक्टर ऑफ 12, ऐसा टेबल हो जिसमें 12 नहीं आता हो। सबसे पहले हमारे पास 1 है। अच्छा, 1 ऐसा नंबर है कि 1 4 के टेबल में नहीं आता। 4 1 4 होता है तो 4 आता है, लेकिन 1 नहीं आता। और 1 के टेबल में 12 आता है, 1 12 12। सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, उसके बाद 2। 2 भी ऐसा टेबल है कि 2 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 12। तो फैक्टर है 12 का, बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसके बाद 3 है। 3 भी 4 के टेबल में नहीं आता, 4 से छोटा है, लेकिन 3 के टेबल में 12 आता है। तो हम इसको भी नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास 5 है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, तो हम नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 में लिखेंगे। और मल्टीपल ऑफ 4, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम 5 को यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास 6 है। 6 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 12 आता है, सो हम 6 को यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास 7 है। 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 7 1 7 7 2 14। और 4 भी नहीं आता, तो हम 7 को यहाँ लिखेंगे। हमारे पास 8 है। 8 के टेबल में 12 नहीं आता, और बट 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 4 4 2 8। तो हम 8 को इस वाले कॉलम में लिखेंगे। इट मींस के 4 का मल्टीपल 8 है, क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, लेकिन 8 के टेबल में 12 नहीं आता, तो हम इसको नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 में लिखेंगे। इसके बाद 9 है। 9 भी 4 के टेबल में नहीं आता, और 9 ऐसा नंबर है कि 9 के टेबल में 12 भी नहीं आता, सो 9 को हम इधर लिखेंगे। इसके बाद 11 भी इसी तरह से आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास 12 बचा। 12 फैक्टर है 12 का, 12 1 12, और 4 के टेबल में भी 12 आता है। और हमारे पास एक 4 था जो मैं लिखना भूल गई आई गेस। 4 भी हमारे पास 4 1 4 होता है, और 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो यहाँ पे 4 भी आएगा। इसी तरह से हमारे पास नंबर्स हो गए ये 1 to 12। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 1 to 30 नंबर्स लिखने हैं। हम साइड पे यहाँ पे 1 से लेके 30 तक नंबर लिख लेंगे, ताकि हमें इजी हो जाए। अब हमें फैक्टर ऑफ 24 दिया हुआ है, ऐसा टेबल जिसमें 24 आता हो उसको हम यहाँ लिखेंगे, और वो 3 के टेबल में भी आता हो उसको हम यहाँ लिखेंगे। ऐसा टेबल जो 3 के टेबल में भी आता हो और जिसके टेबल में 24 आता हो, उन नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे 1 to 30। और ऐसा नंबर जिस जो 3 के टेबल में नहीं आता हो, लेकिन उस नंबर में 24 आता हो, जैसे 2 का टेबल है, 2
3 के टेबल में नहीं आता, 3 1 3 होता है 2, 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 24 आता है, 2 12 24। इसी तरह से 4 का भी टेबल है कि 4 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 24 आता है। अब यहाँ पे देखें ऑड नंबर्स 1 to 30, जितने भी ऑड नंबर होंगे वो इस कॉलम में आएंगे। ऑड नंबर उनको कहते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब ऑड नंबर में भी हमारे पास 4 कॉलम्स बने हुए हैं। इस वाले कॉलम में ऑड नंबर वो आएंगे जो 3 के टेबल में आते हों और जिनके टेबल में 24 आता हो। इस वाले कॉलम में वो ऑड नंबर आएंगे जो 3 के टेबल में नहीं आते हों लेकिन जिनके टेबल में 24 आता हो, जैसे कि 1। और इस वाले कॉलम में वो ऑड नंबर आएंगे कि जो जिनके टेबल में 24 नहीं आता हो लेकिन वो 3 के टेबल में आते हों। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे आगे, तो हमारे पास 1 से लेकर 30 तक पूरे नंबर आ जाएंगे। बट एक नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, एक नंबर एक ही कॉलम में आएगा, दूसरी दफ़ा नहीं आएगा।